अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग लाइफ ऑफ ताबीना इन एम्स्टरडेम। तो जियो मेरे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो जी, आज हम जा रहे हैं बाहर स्नोफॉल देखने। स्नोफॉल देखने तो नहीं कहेंगे क्योंकि स्नोफॉल हुए हुए 3 दिन हो चुके हैं और हम लोग आज ही बाहर जा रहे हैं क्योंकि पहले जो थी स्नोफॉल थी उसके बाद शदीद वाली ठंड थी जिसकी वजह से हम बाहर नहीं निकल सके। तो फिर सोचा कि आज चलते हैं और धूप भी अच्छी थी तो हमने सोचा बाहर चलते हैं और इन्जॉय करते हैं स्नो को। तो हमारी बिल्डिंग पे इन दिनों कंस्ट्रक्शन चल रही है जिसकी वजह से आपको ये सब कुछ देखने को मिल रहा होगा। वुडन फ्लोर्स वगैरह जो हैं वो इंस्टॉल होंगी, वॉल्स और मार्बल सब कुछ उन्होंने पहले वाला जो है उतारा हुआ है और अब जो है वो न्यू इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो है आप देख सकते हैं कि सब कुछ जो है इधर से उधर हुआ हुआ है। तो हम अब जा रहे हैं बाहर और आप भी हमारे साथ चलिए और इन्जॉय कीजिए। तो जी, अब हम बाहर निकल आए हैं और जैसे ही पहला कदम बाहर रखा तो इस बर्फ़ के ऊपर तो 3 दफ़ा मैं ऑलमोस्ट गिरते गिरते बच गई थी। शुक्र है गिरी नहीं, वरना मेरी बाजू तो कुछ ना कुछ तो मेरा बाजू टांग टूटनी ही थी क्योंकि ये जो बर्फ़ थी क्योंकि 3 दिन इसके ऊपर धूप पड़ती रही है और जब बर्फ़ के ऊपर धूप पड़ती है तो वो बिल्कुल एक शीशे की तरह मिरर होता है ना, बिल्कुल वैसी हो जाती है और इस कदर जो है ना आइस जैसी होती है ना फ्रिज में से निकालो, बिल्कुल वैसी थी। इसके ऊपर हल्का सा पाँव रखें ना, अगर आपके आपकी उसके ऊपर आप सही से पाँव नहीं रखेंगे ना तो आप बस गए। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था, 2 दफ़ा पाँव रखा तो शायद शूज़ में गलत पहन आई थी ये क्या हुआ। तो वो जैसे ही 2 दफ़ा पाँव रखा तो मैं स्लिप होते होते बची और फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे पकड़ के, फिर जहाँ से मुझे लग रहा था कि मैं स्लिप होंगी वहाँ मैं हस्बैंड को पकड़ के चल रही थी। और यहाँ पे मनहा को मैंने उठाया हुआ था और हस्बैंड उसकी प्राम लेके जा रहे थे। जहाँ पे फ्रेश बर्फ़ थी वहाँ पे तो गिरने का कोई मसला नहीं था, लेकिन जहाँ पे नहीं थी दूसरी बर्फ़ जहाँ पे आइस थी ना वहाँ पे तो बड़ा डेंजरस था चलना। फिर हमने अल्लाह का नाम लिया और जो है चलना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मेरी बेटी जो है उसने फर्स्ट टाइम स्नो देखी थी और वो बल्कि ना शौक नहीं होता बंदा ऐसे शौक हुई हुई थी कि ये क्या है वाइट वाइट, और उसको देखे ना खुश भी हो रही थी और उस पर ऊपर चल के तो अपने पाँव की तरफ देख रही थी कि ये क्या है। और बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि एक तो सूरज था और जैसे सूरज जो है बर्फ़ के ऊपर लग पड़ रहा था तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही हमने इन्जॉय किया। तो आप भी इस प्यारे से व्यू को मेरे साथ इन्जॉय कीजिए। खवातीन और हजरात, ये आदमी जो बर्फ़ पे खड़ा हुआ है, पानी फ्रीज हुआ है उस पे खड़ा हुआ है और अगर ये पानी से ये आप स्लिप हो गए और आप इस पानी के अंदर जाके लगेंगे और आपको कौन निकालेगा। ऊपर आ जाए, ऊपर। इट्स फ्रीजिंग। ये एक लेक है जो कि फ्रीज हुई हुई है। ओह माय गुडनेस, I just sit here to watch this view. कितना खूबसूरत लग रही है ना, दरख्त बर्फ़ पड़ी है और ऊपर से जो हैं बगैर लीव्स के दरख्त, कितने प्यारे लग रहे थे। Just look amazing. यहाँ पर मैं बैठी हूँ ताकि थोड़ी सी धूप ली जाए क्योंकि हाथ जो हैं फ्रीज हो चुके हैं मेरे टोटली। और ये सामने है मेरे मौसूफ साहब। अच्छा, धूप लग रहा है ऐसे जैसे बहुत अच्छी धूप हो रही है, लेकिन धूप तो मज़े की है लेकिन जितनी शदीद ठंड है इसमें। यूरोप की ब्यूटी
विंटर्स में। और आज ये मैडम भी शराफत का मुजाहिरा कर रही हैं, काफी देर से प्राम में बैठी है, वरना ये बैठती नहीं है प्राम में। तो वहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद जो है हम लोग आगे निकल आए। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्यारा व्यू है, और ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये फ्रोज़न लेक है सामने, और जो आसपास जो उसके दोनों साइड्स हैं वहाँ पे ना स्नोफॉल है, और बीच में लेक जा रही थी और ये टोटली फ्रोज़न थी। और जब और इसके अंदर डक्स भी थी, लेकिन ये इतनी प्यारी लग रही थी बर्फ़ और उसके अंदर फ्रोज़न लेक्स, और जस्ट अमेजिंग। दिस व्यू इज़ जस्ट 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 अमेजिंग। और ऊपर से सनराइज और आसमान देख रहे कितना क्लियर है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे कि वो इस बिल्डिंग के ऊपर जो है प्लेन जा रहा है, तो अभी आपको नज़र आ रहा होगा प्लेन, तो मुझे जो है नज़र नहीं आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं सही करके देखो, वो सामने प्लेन है। जब मैंने गौर से देखा तो वाकई में वहाँ से प्लेन जा रहा था, और क्योंकि इसकी जो ये जगह है इसकी बैक साइड पे एयरपोर्ट है, तो वहाँ से जो है इस टाइम जो है क्लियर नज़र आता जस्ट लुक एट दिस क्यूटीज जो मेरी तरफ चल के आ रही है। कम 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 कम। और पीछे आप देख सकते हैं वाटर जो है फ्रीज हुआ हुआ है। ओह माय गॉड, टू मच कोल्ड, -14 आई थिंक सो फर्स्ट टेम्परेचर। और ये क्यूटीज मेरे पास आई हैं कि मैंने कुछ लूँगी, सॉरी नेक्स्ट टाइम। अब मैं पास आई हूँ तो ये भाग रही हैं। देखें जैसे पानी फ्रीज हुआ है और उसके ऊपर वो चल रही हैं, और बीच में पानी मेल्ट हुआ हुआ है। लुक्स ब्यूटीफुल। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीज, ओह माय गॉड। Cuties, hi everyone। और ये जो है फ्रीज हुए वाटर के ऊपर बैठी हुई है, आइस वाटर पे बैठी है, और ये मैडम आइस वाटर पे चल रही है। दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल गाइस। ओ हवा हवा, ठंडी हवा। और ये सारा पानी आप देख सकते हैं फ्रीज हुआ हुआ है बिल्कुल। और यहाँ पे ये मौसूफ फोन पे बिजी हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गिव अ बिग थम्स अप। और तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।